हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल द थिंकर सिंस में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलिए कुछ और क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने गिरीश चंद्र चतुर्वेदी को अपना गैर कार्यकारी अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया था। दोस्तों, आईसीआई बैंक ने गिरीश चंद्र चतुर्वेदी को अपना गैर कार्यकारी अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। दोस्तों, आपको बता दूं, चतुर्वेदी जी 1977 के बैच के आईएएस अधिकारी हैं, जो जनवरी 2013 में तेल सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं। तो दोस्तों, इसका उत्तर क्या होगा? आईसीआई बैंक, याद रखिएगा दोस्तों, आईसीआई बैंक। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मारिजुआना से बनी दुनिया की पहली दवा का क्या नाम है? तो दोस्तों, मारिजुआना से बनी दुनिया की पहली दवा का नाम है एपीडियोओलेक्स। दोस्तों, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये भी। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा देश अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच पहली बार शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो दोस्तों, फिनलैंड अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच पहली बार शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। वहां पर दोनों नेता अमेरिकी और रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों की श्रृंखला के बीच संबंधों पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, कौन सा देश इसकी मेजबानी करने जा रहा है? फिनलैंड। चलिए फ्रेंड, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के ट्रस्टी बोर्ड के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में हाल ही में किस भारतीय व्यवसायी को चुना गया? तो दोस्तों, भारत की बायोटेक क्वीन किरण मजूमदार शो को मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के ट्रस्टी बोर्ड के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में निर्वाचित किया है। दोस्तों, आपको बता दूं कि किरण मजूमदार शो को फोर्ब्स पत्रिका ने सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल किया है। तो दोस्तों, इसका क्या उत्तर होगा? किरण मजूमदार शो। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जून 2018 में आईडीबीआई बैंक का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों, एसबीआई के पूर्व प्रबंध निदेशक श्री राम ने आईडीबीआई बैंक के मुख्य कार्यकारी नियुक्त होने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो दोस्तों, इसका क्या उत्तर होगा? बी, श्री राम। चलिए फ्रेंड, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गूगल ने हाल ही में पीसी महानबोलिस की कौन सी जयंती मनाने के लिए एक डूडल जारी किया? तो दोस्तों, अभी राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के तहत गूगल ने पीसी महानबोलिस की 125वीं जयंती के तहत ये डूडल जारी किया। तो दोस्तों, कौन सी जयंती पे गूगल ने ये डूडल जारी किया था? 125वीं। देखिए दोस्तों, ऐसा ये हुआ है गूगल का डूडल जो उन्होंने राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पे जारी किया था। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला ब्लॉकचेन सेंटर कहाँ विकसित किया जा रहा है? दोस्तों, केंद्र ने नवाचार के प्रोत्साहन के लिए हैदराबाद में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो दोस्तों, कौन से शहर में ये आज विकसित होने जा रहा है ब्लॉकचेन सेंटर? हैदराबाद में, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दुनिया में सबसे अधिक मानव तस्करी वाला देश कौन सा है? तो दोस्तों, वार्षिक 2018 ट्रैफिकिंग इन पर्सन रिपोर्ट के अनुसार उत्तर कोरिया को चीन, रूस और ईरान के साथ दुनिया में सबसे खराब मानव तस्करी देश के रूप में स्थान दिया गया। तो दोस्तों, पहले नंबर पर कौन सा देश आ रहा है? उत्तर कोरिया। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने 12 साल या उससे कम की लड़कियों से बलात्कार के दोषी को मौत की सजा की मंजूरी दी है? तो दोस्तों, पंजाब राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव को पारित कर दिया है, 12 साल से कम लड़कियों के बलात्कार के दोषी को मौत की सजा देने का। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस संगठन ने रोहिंग्या शरणार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बांग्लादेश को $480 मिलियन सहायता करने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों, विश्व बैंक ने रोहिंग्या शरणार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बांग्लादेश को $480 मिलियन की सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। दोस्तों, आपको बता दूं, 2017 तक भारत में लगभग 40,000 रोहिंग्या शरणार्थी हैं। तो दोस्तों, इसका क्या उत्तर होगा? विश्व बैंक। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2018 कहाँ आयोजित किया गया था? तो दोस्तों, भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था। तो इसको उत्तर क्या होगा दोस्तों? स्टॉकहोम। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस मंत्रालय ने संस्कृत के छात्रों के लिए आयुर्वेदिक औषधि शुरू की है? तो दोस्तों, आयुष मंत्रालय ने संस्कृत के छात्रों को आयुर्वेदिक औषधि के लिए शुरुआत की, जो एक विषय। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री के सुरक्षित मातृ अभियान के तहत मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए किस राज्य को सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों, प्रधानमंत्री
ने मातृ अभियान के तहत मध्य प्रदेश राज्य को सम्मानित करने का फैसला किया है? तो दोस्तों कौन सा आंसर होगा? मध्य प्रदेश। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। माउंट आगुंग कहाँ स्थित है? तो दोस्तों अभी बता दूं, माउंट आगुंग काफी चर्चा में रहा। माउंट आगुंग ज्वालामुखी की हवा में 2 किलोमीटर से अधिक ज्वालामुखी राख और बाष्प को फैलाने के बाद बाली ने अपने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को शुक्रवार को बंद कर दिया। आपको बता दूं दोस्तों, इंडोनेशिया दुनिया का सबसे सक्रियशील ज्वालामुखी क्षेत्र है और प्रशांत रिंग ऑफ फायर पर स्थित है। तो दोस्तों माउंट आगुंग कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में याद रखिएगा दोस्तों। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसके लिए पोत परिवहन को 52वें स्कॉच शिखर सम्मेलन 2018 में गोल्ड अवार्ड मिला है? तो दोस्तों पोत परिवहन मंत्रालय के बंदरगाह से स्मृति पाले प्रमुख कार्यक्रम सागरमाला ने नई दिल्ली में 52वें स्कॉच शिखर सम्मेलन 2018 में गोल्ड अवार्ड प्राप्त किया। तो दोस्तों कौन सी परियोजना को मिला है? सागरमाला परियोजना। दोस्तों सागरमाला परियोजना क्या है? सागरमाला सरकार द्वारा देश में बंदरगाह आधारित विकास के लिए 7,500 किलोमीटर लंबी समुद्र तट, 14,500 किलोमीटर के लिए नौसेना के जलमार्गों का उपयोग करने का एक कार्यक्रम है। दोस्तों समझ में आया सागरमाला परियोजना क्या थी? चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पोषण अभियान के संचालन के लिए कौन सा मंत्रालय टेक थॉन नामक प्रौद्योगिकी की साझेदारी पर एक सेमिनार आयोजित करेगा? तो दोस्तों महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार ने दिल्ली में पोषण अभियान के संचालन के लिए टेक थॉन नामक प्रौद्योगिकी साझेदारी पर एक सेमिनार आयोजित किया। तो दोस्तों किस मंत्रालय ने टेक थॉन नामक प्रौद्योगिकी साझेदारी पर सेमिनार आयोजित करने का फैसला लिया है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कौन है? श्रीमती मेनका गांधी। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य एवं नागरिक उड्डयन मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने एक ऐप लॉन्च किया है जो भारत में खोए हुए बच्चों को पता लगाने में सहायता करेगा। उस ऐप का क्या नाम है? तो दोस्तों आपको बता दूं, केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग तथा नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप का नाम है रीयूनाइट। ये ऐप भारत में खोए हुए बच्चों का पता लगाने में सहायता प्रदान करेगा। तो दोस्तों किस ऐप को लॉन्च किया है उन्होंने? रीयूनाइट, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन OPCW के लिए भारत का राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि है? तो दोस्तों वेणु राज मोनी भारत के लिए OPCW के लिए स्थायी प्रतिनिधि हैं। कौन दोस्तों? वेणु राज मोनो। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किसने पाकिस्तान के पहले नेत्रहीन न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो दोस्तों लाहौर के यूसुफ सलीम ने पाकिस्तान के पहले नेत्रहीन न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। वे 21 न्यायाधीशों में से थे जिन्होंने 26 जून 2018 को सिविल न्यायाधीशों के रूप में शपथ ली है। तो दोस्तों इसका क्या उत्तर होगा? यूसुफ सलीम। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य में विश्व की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परियोजना आने वाली है? तो दोस्तों सऊदी अरामको दुनिया की सबसे बड़ी तेल उत्पादक कंपनी है जिसने एडनोक के साथ महाराष्ट्र के रत्नागिरी में एकीकृत रिफाइनरी एवं पेट्रो रसायन परिसर को संयुक्त रूप से विकसित एवं निर्मित करने के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों ये विश्व की सबसे बड़ी तेल रिफाइनिंग सह पेट्रोकेमिकल्स परियोजना कहाँ पर आने वाली है? तो दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में ये परियोजना आने वाली है। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वह स्थान जहाँ की हल्दी को हाल ही में GI टैग प्रदान किया है? तो दोस्तों महाराष्ट्र स्थित सांगली की हल्दी को भारतीय पेटेंट कार्यालय से जियोग्राफिकल इंडेक्स रैंकिंग प्रदान की है। तो दोस्तों कहाँ की हल्दी को GI टैग मिला है? महाराष्ट्र के सांगली को। चलिए फ्रेंड्स आज के हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, थॉमसन राइटर्स सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक है? तो दोस्तों महिलाओं की सुरक्षा को लेकर थॉमसन राइटर्स फाउंडेशन द्वारा वैश्विक सर्वेक्षण कराया गया। इस सर्वेक्षण के अनुसार भारत महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे खतरनाक देश बन गया है। दोस्तों सर्वेक्षण से पता चलता है कि युद्धग्रस्त सीरिया और अफगानिस्तान भी भारत से बेहतर स्थिति में, सोमालिया और सऊदी अरब में भी सुरक्षा के लिहाज से महिलाओं के लिए भारत से बेहतर स्थिति है। तो दोस्तों थॉमसन राइटर सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक है? भारत।
दोस्तों यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि मैं रोज़ाना इसी तरह के वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू दोस्तों।